press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to the second part of the chapter, India's Foreign Policy. India's Foreign Policy is the second chapter in 9th Maharashtra Board Political Science. So in the first part, we have studied about India's foreign policy. We have studied about political system, how national leadership is defining the foreign policy. We have studied about how geographical area is defining the foreign policy, how economy of the country is defining foreign policy. So we have seen which are the different factors that influence foreign policy. And we have also understood what is the meaning of foreign policy. So in the second part, we will study more about this topic. So after taking the preliminary information about the foreign policy, we shall now get to know more about India's foreign policy. So first part mein humne basic understanding kiya tha ki foreign policy kya hota hai, leaders kaise foreign policy ko define karte hai, aur kaun se leaders ka kya kya contribution tha, ye sab humne dekha tha, kaun se factors influence karte hai foreign policy ko, ye sab cheez humne first part mein dekha tha. Second part mein hum aur detail mein baat karenge, theek hai. तो आपको पता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था. तो 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने क्या किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है. सो एंड फ्रॉम देम ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टेड शेपिंग आवर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली. सो पहले 47 के पहले हम क्या ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, जो ब्रिटिशर्स जैसे बोलते थे वैसे हमें करना पड़ता था. उन्होंने ही सब वो जो रूल्स बनाते थे, जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाते थे, हमें फॉलो करना पड़ता था. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने खुद डिसाइड किया कि हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसे होगा, हमारा रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ कैसे होगा, यह हमने खुद डिसाइड करना चालू कर दिया, ठीक है. उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग सेक्शन है. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो वहाँ एक अलग सेक्शन है जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट को डायरेक्टिव देता है. डायरेक्टिव मतलब क्या कि ऐसे आप करो, कंपलसरी नहीं होता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट को एक फॉलो करने के लिए, गवर्नमेंट को अगर काम करना है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा होता है कि कुछ चीज़ें लिखी है कि गवर्नमेंट को ये फॉलो करके काम करना चाहिए. बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि गवर्नमेंट को करना ही है, लेकिन गवर्नमेंट को उससे इन्फ्लुएंस होकर ही काम करना है, ठीक है. सो ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उसमें से एक टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव लेड डाउन गाइडलाइंस अबाउट हाउ टू शेप फॉरेन पॉलिसी, ठीक है. तो आर्टिकल 51, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो आर्टिकल 51 उसमें देखोगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है. अमॉन्ग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ले डाउन बाय द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ फॉर फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू इट. अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या लिखा है, इंडिया शुड गिव प्रायोरिटी टू सेफगार्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि इंडिया को हमेशा वर्ल्ड में शांति रहे, सब लोग शांत रहे, सभी जगह शांति रहे, ऐसे काम करना चाहिए. सो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है दैट शुड सेफगार्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड रिजॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स. दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है, दो कंट्रीज के बीच में अगर लड़ाई है, कुछ भी है, तो इंडिया को पीसफुली जाके बात करके सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए, ऐसा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी शुड बी टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर नेशंस एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाओ और इंटरनेशनल जो लॉ होता है, लास्ट चैप्टर में या उसके पहले भी मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे वर्ल्ड के लिए लॉज बनाता है, वो लॉज हम फॉलो करेंगे. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टिल नाउ हैज बीन डेवलप्ड ऑन द फ्रेमवर्क. तो ये जो फ्रेमवर्क है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बनाया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है, ये जो चीज़ें मैंने बताई, तो इंडिया का जो भी फॉरेन पॉलिसी बनता है वो इसी चीज़ को याद रख के बनता है. तो ये देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या बोल रहा है. आर्ट मतलब क्या, आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोल रहा है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ये हमने देखा कि इंटरनेशनल पीस, दुनिया में पीस रहे, शांति रहे और सिक्योर रहे, सब लड़ाई झगड़ा मत ना हो. मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, कि दो कंट्रीज के बीच में ऑनरेबल मतलब एक दूसरे को इज्जत करे ऐसा रिलेशन बनाओ. नेक्स्ट इज फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग्स फॉर ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल विथ वन अनदर, ठीक है. फॉस्टर रेस्पेक्ट, फॉस्टर मतलब क्या, इंक्रीज करना रेस्पेक्ट. वर्ल्ड में जो भी लोग है उसके लिए, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट इंक्रीज करो. और इंटरनेशनल जो लॉ है, ठीक है, वर्ल्ड में जो मैंने बताया कि वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है. तो जो भी वो लॉ बनाते हैं एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी विल फॉलो दैट लॉ, वो लॉ हम फॉलो करेंगे. और जो ट्रीटीज होती है, ट्रीटी मतलब क्या, एग्रीमेंट, दो कंट्री के बीच में ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उस एग्रीमेंट्स को भी हम फॉलो करेंगे. गवर्नमेंट कोई भी हो, अगर आज नरेंद्र मोदी ने भी एग्रीमेंट साइन किया और अगर आगे जाके नरेंद्र मोदी नहीं रहे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे,
दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बना तो वो प्राइम मिनिस्टर भी वो ट्रीटी जो भी ट्रीटी में साइन हुआ था उसे फॉलो करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मतलब क्या, इंडिया ने वो ट्रीटी साइन किया है, आदमी ने साइन नहीं किया होता है, वो नेशन ने साइन किया होता है, तो उसको आगे वाले प्राइम मिनिस्टर को भी वो फॉलो करना है, ठीक है। और जो भी लोग हैं उनके साथ हम लोग मिलजुल के रहेंगे, ये सब बोल रहा है। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। अभी इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में, जो भी सॉल्व करने के लिए हम आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन मतलब क्या कि उसका वॉर करके फाइट नहीं करेंगे। आर्बिट्रेशन बेसिकली मतलब क्या होता है, कोर्ट में जाएंगे हम, पीसफुली सॉल्व करेंगे। सम मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर एज फॉलोज। वाइल मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, एंश्योर दैट डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट अफेक्टेड। कि जब भी हम फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे किसी भी कंट्री के साथ, तो ऐसा इंश्योर करेंगे कि हमारा जो डिफेंस है, मतलब हमारा जो सिक्योरिटी है, वो प्रॉब्लम में ना आए। नहीं तो क्या होगा कि कल हम लोग कितना भी किसी को फ्रेंड बना देंगे, पहले बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब हिंदी मतलब इंडिया और चीनी भाई भाई, लेकिन 1962 में क्या हो गया, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने कभी भी जब भी रिलेशंस बनाते हैं किसी कंट्री के साथ, तो पहले सोचना चाहिए कि हमारा सिक्योरिटी कैसे रहे। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज अबाउट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन। कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इंडिया का एक इंच भी जमीन किसी के पास नहीं जाना चाहिए। अभी कश्मीर का बहुत सारा पार्ट, अगर जो भी हम मैप में कश्मीर देखते हैं, उसमें से बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान के पास है, उसमें से बहुत सारा पार्ट चाइना के पास है, पूरा कश्मीर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हमारा रिलेशन होना चाहिए किसी कंट्री के साथ कि कोई कंट्री हमारे ऊपर कब्जा कर ले। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। कि हमारा जो कंट्री का यूनिटी है, लोग यूनाइटेड रहे, और इंटीग्रिटी हमारे कंट्री के जो इज्जत बोलते हैं हम, वो प्रोटेक्ट रहे। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन द अदर कंट्रीज। बाहर भी हमारे जो लोग रहते हैं, हमारे सिटीजन्स रहते हैं बाहर, वो भी उनका भी रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर वहाँ जो भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे लोगों को हमने बचाना चाहिए। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल्स बाय द इंडियन एम्बेसीज। एम्बेसीज मतलब क्या, ऑफिसर्स, मतलब इंडिया का ऑफिस होगा बाहर, बाहर के कंट्रीज का भी इंडिया में ऑफिसर्स होता है, ठीक है। जैसे अमेरिका में आप जाओगे तो वहाँ आपको इंडियन एम्बेसी मिलेगा, मतलब इंडिया के कुछ लोग वहाँ जाके काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के साथ, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस बनाने का सब काम करते हैं। वहाँ के जो इंडियन सिटीजन्स है, वहाँ इंडियन सिटीजन्स है, वो लोग वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं, ये सब इंडियन एम्बेसी काम करता है। जब भी आप देखोगे कि वर्ल्ड में कहीं भी प्रॉब्लम हो, अगर वहाँ इंडियन फंसे हैं, तो हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, उनको बचाता है, वहाँ से लेके आता है, उनके लिए जो भी चाहिए वो करके देता है। ये इंडियन एम्बेसीज का काम है। टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज फॉर अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कि हम क्या करेंगे, हमारा डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए, दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे, उनके साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट बनाएंगे, ट्रेड करेंगे। ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा हमारे कंट्री को, हमारे यहाँ जॉब जनरेट होंगे। तो ये मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हमारा फायदा हो, इंडिया का फायदा हो। रिव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। वी शैल टेक अ रिव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन टू स्टेजेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के इंडिपेंडेंस से हम दो स्टेज में डिवाइड करेंगे फॉरेन पॉलिसी को। तो फर्स्ट इज फ्रॉम द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस टू 1990, ठीक है, एंड देन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्टेज। देन सेकेंड स्टेज इज फ्रॉम 1990 टू टिल डेट। तो 1947 से 1990 फर्स्ट फेज, और 1990 से टिल डेट अब तक जो है वो सेकेंड फेज में देखेंगे। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज। अर्ली फेज मतलब क्या, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम 1947 टिल 1990। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू शेप्ड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अर्ली पीरियड। ही अपोज कॉलोनियलिज्म। ये कॉलोनियलिज्म मतलब बेसिकली क्या होता है कि देखो, 1947 के पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, ब्रिटिशर्स ने हमें, उन्होंने क्या किया, वहाँ से आके, अपने कंट्री से आके हमारे ऊपर राज किया। तो ऐसा जो कंडीशन होता है जहाँ दूसरा कंट्री किसी और कंट्री पे राज करता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म। तो उसके अगेंस्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस, हम बात कर रहे हैं 1947 की। तो 1947 के टाइम, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, या फिर इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, स्पेन का, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर रूल था अफ्रीका और एशिया में। तो इनका मानना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि हम लोग उसके अपोज करेंगे, सारे कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो ये हमारा फॉरेन पॉलिसी में था। सो ये क्या था, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में था। ही टू कैन इंटरनेशनलिस्ट। इंटरनेशनलिस्ट मतलब क्या, कि अपने कंट्री के बारे में नहीं सोचा, पूरी दुनिया के बारे में सोचा उन्होंने। इंटरनेशनलिस्ट पोजीशन एंड गेव प्रायोरिटी टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। ग्लोबल पीस मतलब क्या, दुनिया में शांति रहे और सिक्योरिटी रहे, सब लोग सिक्योर रहे, किसी दो कंट्रीज़ के बीच में झगड़ा ना हो, वॉर ना हो, ये उन्होंने सोचा।
थ्री थिंग्स इन्फ्लुएंस इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन दिस पीरियड. तो ये पीरियड में तीन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया इंडिया फॉरेन पॉलिसी को. फर्स्ट इज वी मेड एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पावर. वी मेड एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पावर. आपको पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था वर्ल्ड दो पार्ट में बटा हुआ था, दो पोल्स में बटा हुआ था, एक यूएसए और एक यूएसएसआर मतलब रशिया. तो इंडिया किसी भी पार्ट किसी भी ब्लॉक में या ग्रुप में नहीं गया. इंडिया ने क्या बोला, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के प्रेशर में आके हम काम नहीं करेंगे. पीस हैज़ ऑलवेज बीन एन सेंट्रल फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी. पीस मतलब शांति, दुनिया में शांति रहे, ये हमारा सबसे मेन इंटेंशन, सबसे मेन मोटो है. द थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान वेर ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट. तो 1947 से लेके ही चाइना, और चाइना तो पहले नहीं था लेकिन पाकिस्तान हमें ट्रबल कर रहा है. 1948 में भी वॉर हुआ था, उसके बाद भी वॉर होते ही रहे इंडिया का और पाकिस्तान का. चाइना के साथ भी हमारा 1962 में वॉर हुआ. तो एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, ये हमारे लिए थ्रेट है. तो जब भी हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, जब भी कुछ डिसीजन लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे दोनों तरफ भी दुश्मन है. वन मोर फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एट अ टाइम वॉज इंसिस्टेंस ऑन सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस मतलब क्या, कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम खुद बनाएंगे. अगर हमें फूड ग्रेन चाहिए तो हम खुद ग्रो करेंगे, अगर हमें क्लोथ चाहिए तो खुद बनाएंगे, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. ये इंडिया का एक इंटेंशन था. इन द बिगिनिंग इंडिया डिसाइडेड टू इम्प्रूव रिलेशंस विद कंट्रीज इन एशिया. Efforts were taken to cooperate with Asian countries in order to achieve development and to keep our independence intact. तो सबसे पहले अपने कंट्री ने क्या सोचा कि हमारे आस पास जो हमारे पड़ोसी है उनका ही सबसे पहले हमें सपोर्ट मिलना चाहिए. तो उन्होंने क्या, इंडिया ने क्या सोचा कि हमारे जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम रिलेशन्स बनाएंगे ताकि हमारा इंडिपेंडेंस इंटैक्ट रहे. कल जाके ब्रिटिशर्स आ गए वापस हमें कब्जा करने का कोशिश किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हम लोग साथ में मिल के फाइट करना चाहिए. तो सारे कंट्रीज़ के साथ उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन्स बनाना चालू कर दिया. दिस कंसेप्ट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट लेटर एक्सपांडेड टू इंक्लूड अफ्रीका एज वेल. अभी एशिया के बहुत सारे कंट्रीज बैकवर्ड थे तो एशिया के कंट्रीज़ ने एक साथ आने का कोशिश किया. उसके बाद अफ्रीका का भी जो कंट्रीज़ है जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुए थे उन्होंने उनको भी इंक्लूड किया बाद में, क्योंकि दोनों का भी कंडीशन सेम था. दोनों के भी ऊपर भी किसी ने राज किया था पहले, ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने, डच ने, ऐसे बहुत सारे लोगों ने राज किया था. रिसेंटली उनको इंडिपेंडेंस मिला था. तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि कल जाके अगर अब हम लोग एक साथ नहीं आएंगे तो क्या होगा, वापस कोई आके हमारे ऊपर राज करेगा. तो इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ ने एक साथ आके काम करना चालू कर दिया, एक साथ आके मिल के रहना चालू कर दिया, उनका एक ग्रुप बना. बट सम एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन द मिलिट्री पैक्ट्स लेड आइदर बाय अमेरिका एंड सोवियत यूनियन. तो हमने देखा था दो पार्ट में बटा हुआ था वर्ल्ड. तो अफ्रीका के और एशिया के कुछ कंट्रीज़ उस ग्रुप में भी बढ़ गए. कुछ लोग अमेरिका के साथ चले गए, कुछ लोग सोवियत रशिया के साथ चले गए. दिस स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट. उसके वजह से क्या हो गया, जो हमारे लोगों ने सोचा था कि एशिया अफ्रीका वाले सब एक साथ आके काम करेंगे, ये थोड़ा टाइम तक रुक गया. आफ्टर दिस कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मिलिट्री पैक्ट सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट. तो ये देखा था हमने, एशिया और अफ्रीका एक साथ आने का कोशिश कर रहा था, एशिया का कंट्रीज़ और अफ्रीका के कंट्रीज़. उसमें से कुछ कंट्रीज़ रशिया के साथ भी चले गए, कुछ कंट्री अमेरिका के साथ भी चले गए. जो बचे हुए कंट्री थे जिनको किसी के साथ नहीं जाना था, किसी के साथ अलाइन नहीं होना था, अलाइन मतलब क्या, किसी का भी ग्रुप में नहीं जाना था, उन लोगों ने एक अलग ग्रुप बनाया, एक कंसेप्ट बनाया जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट मतलब क्या, हम किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे. Peace and freedom became the fundamental principles of non-alignment. Non-alignment policy का main intention था peace. ये रशिया और यूएसए क्या कर रहे थे, बार बार कोल्ड वॉर कर रहे थे, वॉर करने का कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को लड़ा रहे थे, एक दूसरे के जो कंट्रीज़ हैं उनके ग्रुप में उनके बीच में वॉर हो रहा था. इन लोगों ने सोचा कि नहीं, हम क्या करेंगे, पीस चाहिए हमें, ठीक है. सो इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेट कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग कंट्रीज. वॉर्स हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द कश्मीर पीरियड, कश्मीर क्वेश्चन इन 1947-1948. जो मैंने बताया 1947 और 1948 में कश्मीर के मुद्दे के ऊपर वॉर हुआ था. कश्मीर एक इंडिपेंडेंट एक किंगडम था पहले, ठीक है. तो कश्मीर का जो राजा था उसे इंडिया में भी नहीं जाना था, पाकिस्तान में भी जाना नहीं था, उसे इंडिपेंडेंट रहना था, ठीक है. लेकिन पाकिस्तान वालों ने क्या किया, कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, अपनी आर्मी को घुसा दिया, और अल्टीमेटली कश्मीर को बचाने के लिए राजा को इंडिया के साथ आना पड़ा. बाद में इंडियन आर्मी गया, उन्होंने कश्मीर के जो आर्मी था, पाकिस्तान के लोग आए थे, उनको वहाँ से भगा दिया, मार दिया, भगा दिया. तो जितना पार्ट उन्होंने कब्जा कर लिया था पाकिस्तान के लोगों ने, उतना पार्ट आज भी उनके पास है. ये वर्ल्ड में अभी यूनाइटेड नेशंस में मैटर चल रहा है. उसके वजह से 1947-1948 में वॉर हुआ था. अगेन 1965 में जब भी लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था. इन दिस थर्ड वॉर
दैट हैपेंड इन, और 1971 में भी वॉर हुआ था, तो जिसमें पाकिस्तान को हमने तोड़ दिया, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जो आज का बांग्लादेश है पहले वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। 1971 में हमने पाकिस्तान को हराया और यहाँ का जो लोग है बांग्लादेश उनको एक अलग कंट्री बना के दिया, ठीक है। क्यों हुआ था, इसके पीछे बहुत रीजन्स है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, आज जो पाकिस्तान है उसके जो लोग हैं, ये बांग्लादेश के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते थे, बहुत सारे लोगों को मारा उन्होंने, बहुत सारे वुमेन को मारा, उनके साथ रेप किया, बहुत गलत गलत काम किया। तो बहुत सारे लोग अपना जान बचाने के लिए इंडिया में आते थे, तो उनको बचाने के लिए और इंडिया का जो भी प्रॉब्लम था, लोग इंडिया में आते जा रहे उसे बचने के लिए अपने गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को पहले वॉर्न किया कि आप बांग्लादेश में जो भी कर रहे हो वो गलत है, वो बंद करो। उन्होंने नहीं माना तो हमने उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया और पाकिस्तान को, पहले पाकिस्तान ने ही हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे एयरफोर्स से अटैक किया, तो बाद में इंडिया ने रिटेलिएट किया और पाकिस्तान को हरा दिया। 13 डेज के अंदर पाकिस्तान को हरा दिया था और अराउंड 80,000 to 90,000 पाकिस्तान के सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था इंडियन आर्मी ने, ठीक है, इंडिया के डिफेंस फोर्सेस ने, और बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना। इन द डिकेड ऑफ 1970 देयर केम अबाउट सम स्टेबिलिटी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया हैड राइजन एज अ पावरफुल रीजनल पावर इन साउथ एशिया, कि 1970 के टाइम पे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आ गया, थोड़ा हम लोग थोड़े पावरफुल बनने लगे और एक रीजनल कंट्री, पावरफुल रीजनल कंट्री बन गए। बाई कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, जब भी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में, राजस्थान में, हैड ऑल्सो प्रोवाइडेड हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो इंडिया ने बताया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेस्ट करने का भी कैपेबिलिटी है, जो भी न्यूक्लियर टेस्ट उस टाइम पे करता था वो पावरफुल माना जाता था। फ्रॉम 1980 हाउएवर सम चेंजेस बिगेन टू टेक प्लेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमॉन्ग साउथ एशियन कंट्रीज। अभी साउथ एशियन मतलब क्या, कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, अगर कुछ भी इंडिया में पहले होता है, कुछ भी अगर होगा तो हमारे नेबर्स ही पहले आएंगे। जैसे आपको पता होगा कि आप जहाँ रहते हो, कुछ भी आपके घर में प्रॉब्लम होता है तो आपके नेबर्स पहले आपको आके हेल्प करते हैं, रिलेटिव सब बाद में या दोस्त वगैरह सब बाद में आते हैं, सबसे पहले नेबर्स आते हैं। इसलिए अगर हमें अच्छे से रहना है तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को अगर हम लोग साथ में लेके रहेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। इसलिए इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है साउथ एशियन कंट्रीज़, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SARC, SAARC। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज आते हैं, ठीक है। ये कंट्री का मेन, ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटेंशन क्या है, जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज है, ठीक है, साउथ एशिया में जो कंट्रीज है उनका ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया इनिशिएटेड अ डायलॉग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना। इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड इंटरेक्शन विद अमेरिका फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी। तो इंडिया ने पहले SARC ग्रुप का इनिशिएट किया, SARC ग्रुप में शामिल हो गए, बनाया, उसके बाद चाइना के साथ भी रिलेशंस इंप्रूव करने का कोशिश किया, क्योंकि चाइना भी हमारा नेबर है और बड़ा कंट्री है, उसके साथ अमेरिका के साथ भी अपने रिलेशंस इंप्रूव करने का कोशिश किया। ये था, ये हमने देखा था कि क्या क्या इंडिया ने किया, अर्ली फेज के बारे में देखा हमने, स्टार्टिंग में कैसे हुआ, उसके बाद फर्स्ट स्टेज हमने देखा था 1947 से 1980, इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये हम लोग अभी वापस थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, ये आपने देखा था, मैंने बताया नॉन अलाइनमेंट क्या था, कंटेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर में इंडिया किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, नॉन अलाइनमेंट बनाया। एज ए रिजल्ट प्रायोरिटी वॉज गिवन टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल नेशंस एंड टेक हेल्प रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो हमने सोचा कि हमें किसी भी ग्रुप में नहीं जाना है, सभी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाना है, और हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें रशिया से हेल्प लेगा तो रशिया से हेल्प लेना पड़ा तो रशिया से भी हेल्प लेंगे, यूएसए से हेल्प लेना पड़ा तो यूएसए से भी हेल्प लेंगे, ठीक है। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इंडिया कुड गेट एड फ्रॉम बोथ सुपर पावर। एड मतलब क्या, मदद, कि दोनों से हेल्प मिलने लगा, हम लोग किसी भी ग्रुप में नहीं गए बिकॉज ऑफ नॉन अलाइनमेंट। रशिया भी हमारा फ्रेंड बना, यूएसए भी हमारा फ्रेंड बना, उस टाइम पर रशिया से ज़्यादा क्लोज थे हम, ठीक है। There was a lot of stress on improving, strengthening India's defense. The technology required for this was imported. अभी हमारे पास पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था वेपन्स बनाने का, एयरक्राफ्ट बनाने का, वॉरशिप्स बनाने का, तो हमने रशिया का हेल्प लिया, रशिया से इम्पोर्ट किया, वहाँ से लाया, फ्रांस से लाया, जर्मनी से लाया, उन लोगों ने हेल्प किया इंडिया को, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सोवियत रशिया ये अलग बड़ा सुपर पावर था, और फ्रांस और जर्मनी ये कंट्रीज, जर्मनी का आधा पार्ट अमेरिका को सपोर्ट करता था, आधा पार्ट रशिया को सपोर्ट करता था, फिर भी हमने सबके साथ, सबसे मिलके हेल्प लेने की कोशिश किया, ठीक है। इन द पीरियड इंडिया हैड टू फेस सम चैलेंजेस, दिस इंक्लूड द कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। ये हमने देखा था, पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तीन वॉर हुए थे, और लास्ट वॉर 1999 में हुआ था, करगिल वॉर, इसमें भी पाकिस्तान को हमने हरा दिया था।
एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश विद एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना 1962 में चाइना का वॉर हुआ था, बांग्लादेश वाला जो वॉर था लिबरेशन वाला वॉर वो 1971 में हुआ था। वॉर जब भी होता है तो देखो बहुत सारा पैसा लगता है उसमें, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, डेवलपमेंट नहीं होता है हमारे कंट्री का, पूरा फोकस वॉर में लगाना पड़ता है कंट्री को, तो जितना वॉर ज़्यादा होंगे उतना हमें नुकसान होने वाला है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू टू इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी। His stand was India should be independently understand the global and international affair. तो उनका मानना था कि हम किसी की बात से सुनेंगे नहीं, हम independently हमारा जो stand है वो रखेंगे और independently हम global और international affairs को समझेंगे, world में जो भी चल रहा है उसे independently समझेंगे, हमारा बात हम independently रखेंगे, किसी के pressure में आके काम नहीं करेंगे। He followed up the policy of peace, शांति में उन्होंने विश्वास किया कि शांति रहे दुनिया में, ये हमारा intention होना चाहिए। सेकेंड फेज, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक इन द सेकेंड स्टेज इन द पोस्ट कोल्ड वॉर। अभी सेकेंड स्टेज कहाँ से है, 1991 से लेके अब तक। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर प्रायोरिटी नो लॉन्गर रिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशंस। अभी पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद क्या था, दो मिलिट्री जो झगड़ा चल रहा था दो कंट्रीज़ के बीच में, दो सुपर पावर के बीच में, वो सब खत्म हो गया। अभी अमेरिका ही सिर्फ सुपर पावर रहा, रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, हमने देखा था रशिया एक बड़ा कंट्री था वो ब्रेक हो गया अलग अलग कंट्रीज़ में, तो रशिया अभी वीक हो गया, तो अभी वॉर करना ये सब बंद हो गया। अभी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगे। 1991 से हमारा मेन फोकस था कि डेवलपमेंट कैसे करना है, ठीक है। सो द मिलिट्री पीरियड का जो फाइटिंग वीटिंग था वो सब बंद हो गया। अभी सेवरल अदर डायमेंशंस लाइक इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी गॉट इंट्रोड्यूस इंक्लूडेड इन फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर 1991 इंडिया रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड अडॉप्टेड द फ्री मार्केट पॉलिसी। कि 1991 से पहले इंडिया में अगर कोई भी आपको बिजनेस करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए बहुत सारे परमिशन लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, जिसे लाइसेंस राज भी बोलता था, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। 1991 के बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, ओपन कर दिया, लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दिया। अभी परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन जितने परमिशन पहले लेने पड़ते थे उतने नहीं लेने पड़ते। तो 1991 के बाद क्या कर दिया, हमारी इकोनॉमी को हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, फ्री मार्केट पॉलिसी अक्वायर किया, अब ये ले लिया। नेचुरली देर वॉज एन इंक्रीज इन ट्रेड विद नेबरिंग कंट्रीज़, तो इसके वजह से क्या हो गया, नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में साथ हमारा ट्रेड बढ़ने लगा। आवर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, वर्ल्ड के जितना ट्रेड होता है उसमें हमारा शेयर बढ़ गया, हम ज़्यादा ट्रेड करने लगे। एफर्ट्स बिगेन टू मेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जितना पैसा हमें होगा उतना हमारा ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स दिए। 1991 के बाद ही देखो तो बहुत सारे जॉब जनरेट हुए इंडिया में, बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर आए, लेकिन जो पुअर थे वो पुअर ही रहे, लेकिन जिनको एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिला वो पॉवर्टी से बाहर भी आए। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है कि सपोज आज इंडिया के पास इतना पैसा है तो कल अगर बढ़ गया, कल मतलब एक साल बाद अगर बढ़ गया तो हम देखेंगे कि कितना बढ़ा, कितना रेट से बढ़ा, कितने परसेंटेज से बढ़ा, ये ग्रोथ रेट होता है। प्रिपेयर अ चार्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, ये आप रिसर्च करके कर सकते हो। इन द डिकेड आफ्टर 1990 आवर रिलेशंस विद साउथ एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एक्सेट्रा बिकेम स्ट्रॉन्गर। Our trade exchange with Israel, Japan, China, European Union increased. European Union मतलब क्या, यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका एक यूनियन है, उनका एक ग्रुप है, जिसमें ब्रिटेन नहीं है, ठीक है, बाकी लोग का एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। ये लोगों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो गए, हमारा ट्रेड बढ़ गया। इंडिया बिगेन टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल एंड रीजनल लेवल मोर देन बिफोर। अभी वर्ल्ड में बहुत सारे जो पावरफुल कंट्रीज़ है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है G20, वर्ल्ड के जो मेन टॉप 20 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, सुपर पावर्स जैसे बोल सकते हैं हम, सुपर कंट्रीज़ है, उसमें इंडिया भी है। तो G20 का भी मीटिंग होता है, जो G20 मतलब क्या, ग्लोबल 20, वर्ल्ड के 20 कंट्रीज़ मेन कंट्रीज़, तो उनके जो टॉप लीडर्स है जैसे नरेंद्र मोदी इंडिया से जाते हैं, उनका मीटिंग होता है हर साल। उसके बाद ब्रिक्स में कौन आते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक्स। ये ब्रिक्स का 2016 में ब्रिक्स का मीटिंग इंडिया में हुआ था, यहाँ लिखा है देखो इंडिया 2016 में हुआ था। ऐसा हर साल कोई ना कोई कंट्री में होता है, मतलब कभी ब्राज़ील में होगा, कभी रशिया में होगा, कभी इंडिया में होगा, चाइना में होगा, और कभी साउथ अफ्रीका में होगा। ये सब कंट्रीज़ देखो तो ये बड़े बड़े कंट्रीज़ है, और ये इसमें से ब्राज़ील देखो, इंडिया देखो, और साउथ अफ्रीका देखो, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है। चाइना को हम बोल सकते हैं कि डेवलप कंट्री के नियर आ गया है, लेकिन ये सब बड़े बड़े कंट्रीज़ है जिसका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सब कंट्रीज़ का मिलकर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये पावरफुल कंट्रीज बन सकते हैं फ्यूचर में। रशिया और चाइना तो है, लेकिन इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील भी बन सकते हैं पावरफुल, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल बोथ आर डेमोक्रेसीज, फाइंड मच सिमिलैरिटीज एंड प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन इट। ये आपके पास टाइम है तो करो। इंडिया और अमेरिका में दोनों में डेमोक्रेसी है,
वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो इलेक्शन से आता है। चाइना में वैसा नहीं है, रशिया में भी वैसा नहीं है, रशिया में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। आवर रिलेशंस विद अमेरिका स्ट्रेंथन, म्यूचुअल ट्रस्ट ग्रू, इंडिया स्टेचस रोज इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये 2005 या 1990 के बाद हमारा और अमेरिका का रिलेशंस भी अच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर मतलब कि हमारा जो हुद्दा है या स्टेटस है, वो भी बढ़ गया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी। न्यूक्लियर पॉलिसी मतलब क्या कि हमारा प्लान है, इंडिया का जो इंटेंशन है कि हम कभी भी सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा पॉलिसी है। और न्यूक्लियर एनर्जी जो भी होता है वो हम पीसफुल वे मीन्स के लिए यूज़ करेंगे, एनर्जी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, इसके लिए यूज़ करेंगे। यू मस्ट हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, ये सब हमने पढ़ा होगा अपने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, साइंस में पढ़ा होगा। हैविंग अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, इंडिया अंडरटुक द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसके पीछे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और हमारे साइंटिस्ट थे डॉक्टर होमी भाभा, ये सब लोगों ने मिलकर सोचा कि न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ही हमने रिसर्च करना चालू कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। फॉर दिस वी एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन एटॉमिक कमीशन एनर्जी कमीशन वॉज डॉक्टर होमी भाभा। इवन दो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वॉज द मेन पर्पज, मेन पर्पज क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब पीसफुल वे के लिए यूज़ करना, लेकिन अगर वर्ल्ड में आपको टिक के रहना है, वर्ल्ड में अगर आपको पावरफुल बनना है, तो आपके पास वेपन्स भी होना चाहिए। आप यूज़ ना करो, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ भी कर सकते हैं। अभी डराने के लिए नहीं करना है, लेकिन हमारे प्रोटेक्शन के लिए करना है। इसलिए हमने बाद में सोचा कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी होना चाहिए, और वो हमने बनाया, अभी टेस्ट भी किया, न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में, उसके बाद 1998 में भी किया। वी ऑल्सो हैव मेड मिसाइल कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड एयरफोर्स एंड नेवी हैव बीन एनेबल टू कैरिंग देम। हमारे पास ऐसे मिसाइल्स भी है जो एयरफोर्स मतलब जो हमारे फाइटर प्लेन्स है वो यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं, और हमारे नेवीज़ के भी जो एयरफोर्स है, नेवी के शिप्स है, वॉरशिप्स है, उसके ऊपर भी हम न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मिसाइल यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स हैव एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव, हैंस इट इज़ नेसेसरी टू मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स सो दैट दे आर नेवर यूज। तो हम क्या करते हैं, यूज़ नहीं, हमारा फर्स्ट नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, पहले यूज़ नहीं करेंगे। टू ट्रीटीज़ हैव बीन मेड टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स और ज़्यादा कोई कंट्रीज, जैसे देखो इंडिया ने जब भी टेस्ट किया वैसे ही पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया, पाकिस्तान का भी तैयारी था न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने का। तो न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर वॉर हुआ वर्ल्ड में तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो वर्ल्ड ने एक ट्रीटी बनाया था, एग्रीमेंट बनाया था कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब क्या, न्यूक्लियर वेपन्स का बढ़ावा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना बनाएं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, टेस्ट मतलब क्या, न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने के लिए ट्रीटी बनाया, ये बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज ने साइन किया है, इंडिया ने साइन नहीं किया है। उसका रीज़न है कि इंडिया चाहता है कि हमारे दोनों तरफ दुश्मन है, पाकिस्तान है, चाइना है, हमारा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे कभी, लेकिन हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमें न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया है ट्रीटी में। द कंडीशन ऑफ बोथ दिस ट्रीटीज़ आर ऑफ बेनिफिट टू बिग न्यूक्लियर पावर। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि बड़े जो पावर है, रशिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ये लोग क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को फोर्स करते हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन टेस्ट मत करो, लेकिन खुद अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो कभी त्यागते नहीं है, कभी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, ठीक है। तो बिग न्यूक्लियर पावर्स एंड दे पुट अनफेयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, तो दूसरे के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे लेकिन खुद न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करना या उसको टेस्ट करना बंद नहीं करेंगे। हैंस इंडिया हैज़ नॉट साइंड एनी ऑफ द ट्रीटी, इंडिया ने कोई भी ट्रीटी साइन नहीं किया। द नंबर ऑफ कंट्रीज मेकिंग न्यूक्लियर पावर इज ग्रोइंग, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर योर क्लास टू स्टॉप प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो टाइम है तो करो। इंडिया इज नाउ अ कंट्री विच हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, वी हैव एक्सेप्टेड द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। तो हम क्या, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत है कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास होना चाहिए, और न्यूक्लियर एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली सपोर्टिंग एफर्ट्स ऑफ डिसआर्ममेंट, डिसआर्ममेंट मतलब क्या, आर्म्स को त्याग दो, आर्म्स नहीं होना चाहिए, आर्म्स मतलब क्या, वेपन्स, बिकॉज इट इज़ इंडियाज़ पोजिशन दैट देर शुड बी पीस इन द वर्ल्ड एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। हैविंग टेकिंग अ सर्वे ऑफ फॉरन पॉलिसी इन दिस वे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम। तो इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।